श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के बैनर तले 7 सूत्री मांगों को लेकर दिया सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन। मथुरा, गुरुवार को उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के बैनर तले पत्रकारों द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि सक्रिय पत्रकारों की कोरोना योद्धा के रूप में घोषणा की जाए तथा सभी पत्रकारों को पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों की भांति 50 लाख का बीमा और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। कॉरपोरेटर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित सभी चिकित्सा संस्थान में पत्रकारों और उनके परिजनों को निशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान की जाए। मीडिया हाउस कोरोना काल में नौकरी से निकाले गए समस्त पत्रकार साथियों को यथावत नौकरी पर बहाल किया जाए, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके। लघु और मझोले समाचार पत्रों को विशेष रूप से सरकारी विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाए, जिससे समाचार पत्रों के सामने आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े, वह सुचारू रूप से संचालित हो सके। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, जिससे कि पत्रकारों पर हो रहे हमलों पर सुरक्षित कार्रवाई हो सके और उनको फर्जी मुकदमों से निजात मिल सके। ग्रामीण पत्रकारों को सुरक्षा देने हेतु विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। तहसील स्तर पर समझते हुए अपनी इन्हीं मांगों को लेकर नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह से प्रधानमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में पत्रकारों की ये मूलभूत मांगें रखी गई हैं। सर बताएं, आज जो पत्रकारों ने ज्ञापन दिया है, क्या मांग रखी है? देखिए, पत्रकार बंधुओं ने आज प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया है, जिसे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इसे प्रेषित करा दिया जाएगा। इसमें मुख्य मांग है कि जैसे कोई कोरोना काल में यदि किसी पत्रकार के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसको भी कोरोना योद्धा घोषित करते हुए उसे 50 लाख रुपए की अनुदान देने, अन्य सरकारों द्वारा जो स्वास्थ्य बीमा दिया गया है उस तरह उत्तर प्रदेश में भी लागू करने के संबंध में के साथ साथ और 4-5 6 मांगे और इन लोगों द्वारा ऐड की गई है। इसे आज ही इसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। अरे जी बताएं, आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांग रखी है पत्रकारों के? चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि देश के प्रतिष्ठित संगठन IAU के राष्ट्रीय व्यापी आह्वान पर आज प्रदेश इकाई उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन द्वारा पूरे देश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश भर में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं आज महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष में, क्योंकि कल छुट्टी है तो हमने एक दिन पहले ही उसको चुना है। हमारी मुख्य मांग है कि भारत सरकार प्रत्येक कोरोना पत्रकार को कोरोना योद्धा घोषित करे जो हताहत हो रहे हैं। कोरोना काल में तकरीबन 1200 पत्रकारों की मृत्यु हो चुकी है। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों की भांति उनको भी 50 लाख की सहायता राशि दी जाए, जो सरकार औरों को दे रही है, क्योंकि पत्रकारों ने भी कंधे से कंधा मिला के या हथेली भी लेकर इस कोरोना काल में सरकार की मदद की है, एक एक खबर को शासन प्रशासन तक पहुँचाया है। दूसरी हमारी मुख्य मांग है कि जो लघु और मझोले पत्रकार हैं, जो समाचार पत्र हैं, चैनल हैं, उनकी इस कोरोना काल में छटनी हुई है। हमारी मांग है कि जो जिन पत्रकारों की छटनी हुई है उनको यथावत तुरंत नौकरी पर बहाल किया जाए, जिससे उनका परिवार का सुचारू रूप से संचालन हो सके और उनको सरकारी विज्ञापन दिए जाए खास तौर से, क्योंकि बड़े मीडिया हाउसों को विज्ञापन दिए जाते हैं तो छोटे मझोले और लघु समाचार पत्र हैं, चैनल हैं, उनको विज्ञापन नहीं मिल पाता। तीसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं या जितने भी हमारे जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी पत्रकार और पत्रकार के परिवारों को चिकित्सा सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाए। और अभी हाल फिलहाल में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 5 लाख का बीमा राशि घोषित की है, हम उसके लिए सरकार को धन्यवाद देंगे, लेकिन हमारी एक मांग और है कि तहसील और जिला स्तर पर प्रत्येक सक्रिय पत्रकार को भी ये 5 लाख की राशि बीमा राशि से संबोधित किया जाए। आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब को जो आपने ज्ञापन दिया है उसमें क्या पत्रकारों की मांग रखी है? इसमें ज्ञापन में ये मांग दी गई है, जो कोरोना महामारी चल रही है और कोरोना काल में जो हमारे पत्रकार साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो उनके साथ भेदभाव की नीति सरकार द्वारा अपनाई जा रही है। तो हमारी ये मांग है कि कोरोना काल में अगर किसी पत्रकार की कैजुअलिटी हो जाती है, यानी कि किसी भी कारण उसकी अनहोनी घटना हो जाती है, तो उसको जो अन्य कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारियों को सुविधा दी जा रही है वो सुविधा मुहैया कराई जाए, जैसे 50 लाख रुपये उनको अनुदान राशि सहायता दी जाए, उसके अलावा एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए, क्योंकि पत्रकार की स्थिति ये है कि
अगर कोई घटना हो जाती है तो उसके पीछे कोई आर्थिक स्थिति की जिम्मेदारी बड़ी मुश्किल हो जाती है और वो परिवार पूरा भटकता है। तो ये सबसे पहली मांग हमने रखी है कि उसके 50 लाख की अनुदान राशि दी जाए और एक परिवार नौकरी दी जाए। और उसमें ये है कि जैसे अन्य राज्यों में, यूपी के अलावा अन्य राज्यों में बहुत सी ऐसी पत्रकारों को सुविधा मुहैया कराई गई है, जैसे पेंशन है और बीमा राशि भी काफ़ी अधिक मात्रा में। तो हम यूपी सरकार से ये मांग करते हैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यूपी के जो पत्रकार हैं उनको भी अन्य राज्यों में जो सुविधाएं हैं वो यहाँ मुहैया कराई जाएं और किसी भी प्रकार की उनके साथ भेदभाव की नीति ना अपनाई जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और मैं बता दूँ आपको कि मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त ये जो है इसमें भी सरकार की नीति भेदभावपूर्ण है, तो इसमें सभी पत्रकारों को एक समझा जाए क्योंकि पत्रकार हर मेहनत करता है, उस मेहनत करने वाले पत्रकार को जो सुविधा अन्य को मिलती है वो उसको ही मिलनी चाहिए, ये हमारी सरकार से मांग है। इसी संदर्भ में आज हमने